हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो यूट्यूब की इस डेटा अकेडमी चैनल। तो हमने लीनियर इक्वेशन की सीरीज स्टार्ट कर दी है और ये हमारा वीडियो नंबर सेकंड है। आशा करता हूँ कि आपने लीनियर इक्वेशन का वीडियो नंबर फर्स्ट देखा होगा। टाइप 7 और टाइप 8 का हमने वीडियो नंबर 2 करके डाला हुआ है। टाइप 1 टू 6 हमने एक वीडियो में लिया हुआ है और 7 टू 8 हमने दूसरे वीडियो में लिया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप एक बार देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बेसिक कवर नहीं करेंगे, हम सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए इसका नाम रखा हुआ है एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो की लेंथ मैक्सिमम 20 मिनट्स तक रखेंगे ताकि आपको देखने में थोड़ा आसानी रहे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पे चलेंगे और हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। मेरे पास पहला क्वेश्चन है -10 m - 10 = 90। तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर ये जो -10 है उसको राइट साइड लेके जाऊंगा, तो -10 m = 90 + 10 हो जाएगा, -10 m = 100 हो जाएगा। टाइप 1 के हिसाब से ये गया नीचे, तो m = 100 बाय -10 हो जाएगा। 10 × 10 = 100 होता है। m = ±- हो जाएगा, -10 आंसर हो गया। ज़्यादा बिजनेस के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी और मुझे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करवाने हैं, तो कुछ चीज़ें आपको खुद ही समझ जाना है। मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपने टाइप 8 तक वीडियो देखे हैं, प्रैक्टिस भी किया हुआ है। चलो नया क्वेश्चन लेता हूँ मैं। 2m - 7 = 3। ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है तो इसको हम अंदर लेके जाएंगे तो अंदर के सारे एलिमेंट की साइन चेंज हो जाएगी। +2m है तो -2m हो जाएगा, -7 है तो +7 हो जाएगा, = 3। ये +7 है इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे तो -2m = 3 - 7। -2m = -4 = के दोनों साइड माइनस की साइन है इसलिए ये साइन कट हो जाएगी। m = 4/2 हो गया। m = 2 × 2 = 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो यहां पे एक नया क्वेश्चन लेते हैं। 3y + 2y + y = 60। यहाँ पे तीनों लाइक टर्म हैं तो इनका ऐड करेंगे, 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6। 6y = 60, 6 गया नीचे, y = 60/6, 6 × 10 = 60 होता है, y = 10 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे मैं बेसिस क्वेश्चन कवर नहीं करूँगा। 3/7 + x = 17/17। मैंने आपको एक रूल सिखाया था कि वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड में होते हैं, कांस्टेंट हमेशा राइट साइड में होते हैं, तो आपको इसको कांस्टेंट है इसलिए राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो x = हो जाएगा 17/7 - 3/7। यहाँ पे नीचे के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए x = 17 - 3/7। x = ये हो जाएगा 14/7, देन x = 7 × 2 हो जाएगा, x = 2 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्लास 8 की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। 1.6 = y/1.5। पहले तो वेरिएबल लेफ्ट साइड में होना चाहिए तो मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, 1.5 डिवाइड में है उसको राइट साइड, इस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा y = 1.6 × 1.5। डेसिमल के वीडियो सीरीज में हमने डेसिमल का डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई सिखाया था, अगर आपको नहीं आता है तो एक बार आप चेक कर लो, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा।
1.6 इंटू 1.5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 240। यहाँ पे पॉइंट के बाद में एक नंबर है और पॉइंट के बाद में एक नंबर है, तो एक और एक दो होता है, तो आपको पीछे से दो नंबर छोड़कर पॉइंट लगा देना है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2.4। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यूज नहीं होती है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। मैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हो वो मैं ले रहा हूँ। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। यहाँ पे वेरिएबल है, लेफ्ट साइड में होना चाहिए था, मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूँ। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। 3x में से 2x गया तो 1x बचेगा इज इक्वल टू 18, तो यही आपका आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको दिखने में काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं मगर वो काफ़ी ईजी होते हैं। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, 7 नंबर। 12 ये 7 क्लास की बुक में दिया हुआ है, 12k/4 इज इक्वल टू 6। ये 4 डिवाइड में है, इस साइड जाके राइट साइड में प्लस में हो जाएगा, 6 इंटू 4। अब 12k इज इक्वल टू 6 फोर जा 24, ये 12 नीचे आ जाएगा, k इज इक्वल टू 24/12, k इज इक्वल टू 12 टू जा k इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट मैं यहाँ से इसको लाइन कर देता हूँ ताकि मुझे लिखने में आसानी रहे। मैं एक और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, बी प्लस 4 ये 7 क्लास की बुक में दिया हुआ है इज इक्वल टू 8.1। यहाँ पे रूल 2 के हिसाब से, टाइप 2 के हिसाब से इस 4 को कांस्टेंट है इसलिए राइट साइड में होना चाहिए था, राइट साइड में गया, बी इज इक्वल टू 8.1-4। डेसिमल वाले लेक्चर सीरीज में हमको सिखाया था कि जब किसी नंबर के पास पॉइंट नहीं दिखता है तो वो पॉइंट उसके नंबर के पीछे होता है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। अब 1 में से 0 गया तो 1, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, 8 में से 4 गया तो 4, बी इज इक्वल टू 4.1 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास, एक 150 क्वेश्चन की मेरे पास PDF है और उसका आंसर भी है। अगर हो सके तो मैं आपको उस PDF और आंसर शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वो PDF डाउनलोड कर लेना या फिर मुझे व्हाट्सअप करना PDF कर लिनियर इक्वेशन PDF, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8128181300, फिर से रिपीट कर रहा हूँ 8128181300। 4n+3+5n=1। यहाँ पे 4 है वो ब्रैकेट के बाहर है तो हम इसको अंदर लेके जाएंगे, तो ये 4n हो जाएगा प्लस ये 4 इसके साथ जाएगा, तो 4 3 12 हो गया प्लस 5n=1। कांस्टेंट को हमेशा राइट साइड में होना चाहिए था इसलिए मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड में, 1 के पीछे चला जाएगा, 1-12 हो गया क्योंकि 12 प्लस में था। 4+5n=9n=1 में से 12 गया तो -11, टाइप 1 के हिसाब से -11/9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसके अंदर 3p/2+1=5p-2। यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम मिक्स नंबर में सॉल्व करते हैं वैसे हम इसको सॉल्व कर देंगे। 3p(2+2)/2=5, ये 5 अंदर जाएगा, 5p-10। अब 3p+2 ये राइट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5p-10। 3p+2=2, 2 5 10p-2 10 20। अब वेरिएबल है तो लेफ्ट साइड में होना चाहिए था और कांस्टेंट है तो राइट साइड में होना चाहिए था, इसीलिए 3p-10p=20 एज इट इज नीचे उतरेगा
और यहाँ से प्लस टू राइट साइड जा रहा है, इसीलिए माइनस टू हो जाएगा। थ्री में से टेन गया सेवन, मगर टेन बड़ा है तो साइन माइनस की लगेगी, इज इक्वल टू माइनस 24। इज इक्वल टू के दोनों साइड माइनस की साइन है तो ये कट हो जाएगा। देन पी इज इक्वल टू 24 बाय 7। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसको मिक्स में नहीं लेके जा रहा हूँ, मगर आपको मिक्स में लेके जाना है। हम कंटिन्यू करेंगे, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। माइनस फाइव प्लस टू वाई डिवाइड बाय फोर इज इक्वल टू फोर वाई डिवाइड बाय वन। हमने टाइप सिक्स या सेवन में डिस्कस किया था, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्रॉस करवाते हैं, तो इसको मैं क्रॉस करा देता हूं। जैसे वन वन का मल्टीप्लाई इनके साथ होगा तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो फोर इंटू फोर वाई माइनस फाइव प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर, फोर जा 60y। ये वेरिएबल है तो इसको लेफ्ट साइड में होना चाहिए था, और ये कांस्टेंट है तो इसको राइट साइड में होना चाहिए था। तो 2y माइनस 60y 60 प्लस में था, इस लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस फाइव माइनस में था, इधर आके प्लस में हो जाएगा। 2 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 14y इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू टाइप 1 5 बाय माइनस 14। y इज इक्वल टू आप चाहो तो इसको ऐसे भी ले सकते हो। ये आपका आंसर हो गया। एक नया क्वेश्चन ले रहा हूं, जगह कम है इसलिए मैं छोटा क्वेश्चन लूंगा। w 2w इज इक्वल टू 3 प्लस 2। काफी आसान क्वेश्चन है। 2w इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, w इज इक्वल टू 5 बाई 2। आप इसको मिक्स में लेके जाओगे, w इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 1 5। इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। 2t बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4t माइनस 2। यहाँ पे सेम एज इट इज हमने जो मिक्स में चेंज करवाया था वैसे मिक्स में चेंज करवाएंगे। 2t प्लस 4 वन जा 4, और ये 4 नीचे, जो 4 नीचे था वो तो नीचे आएगा। इसको आप अंदर लेके जाओ, 4t माइनस माइनस 4 टू जा 8, आपको इसको अंदर लेके जाना है। अब ये 4 राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट 4t माइनस 8। 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 4 अंदर जाएगा तो 4 4 जा 16t माइनस 4 8 जा 32। वेरिएबल है, लेफ्ट साइड होना चाहिए था, कांस्टेंट है तो राइट साइड होना चाहिए था। 2t एज इट इज, यहाँ पे 16t प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और माइनस 32, माइनस 32 है ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 2 में से 16 नहीं जाता है मगर यहाँ पे जा रहा है। 2 में से 16 को आपको कैसे माइनस कराना है, 16 माइनस 2 कर दो 14 हो जाएगा, 16 बड़ा है इसलिए साइन माइनस की लगेगी। यहाँ पे 28, 32 बड़ा है इसलिए माइनस की साइन। इज इक्वल टू के दोनों साइड माइनस की साइन है, कट हो गया। टी इज इक्वल टू 14 जाएगा नीचे, 28 बाय 14, टी इज इक्वल टू 14 टू जा 22। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे मैं फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप हो सकता है मेरे से भी फास्ट सॉल्व करो। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, छोटा सा क्वेश्चन है, कौन सा नंबर था लास्ट में, 13। 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 4 माइनस एन
इज इक्वल टू माइनस 16। हम यहाँ पे 4 इंटू बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई समझ लेना है, तो ये माइनस 4n हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 16। इज इक्वल टू के दोनों साइड माइनस की साइन है इसलिए माइनस माइनस कट हो जाएगा, 4n इज इक्वल टू 16। ये 4 गया नीचे, n इज इक्वल टू 16 बाय 4, n इज इक्वल टू 4 4 जा 16। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एक्चुअली ये वर्ड प्रॉब्लम था, मैंने इसका डायरेक्टली क्वेश्चन ले लिया है। एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 15। ये कंजिक्यूटिव नंबर वाला एडिशन का वर्ड प्रॉब्लम होता है, मैंने इसका लीनियर क्वेश्चन बना के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बना के दे दिया। एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 15। यहाँ पे तीन बार एक्स आ रहा है, अलजेब्रा में सिखाया था एडिशन कैसे होता है, लाइक टर्म है इसलिए तीन बार एक्स आ रहा है, 3x हो गया, 1 प्लस टू 3 इज इक्वल टू 15। टाइप 2 के हिसाब से गया नीचे, 3x इज इक्वल टू 15, प्लस में था उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 15 में से 3 गया तो 12। टाइप 1 के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू 12 बाय 3, x इज इक्वल टू 4, क्यों 3 4 जा 12 होता है इसीलिए। एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा मैं, रेशियो वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, रेशियो वाले क्वेश्चन हैं, मैंने इनका डायरेक्ट क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 16, 7y प्लस 4 डिवाइड बाय y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 2। यहां पे हम इसको क्रॉस करा देंगे, 2 7y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 वाई प्लस 2। ये 2 अंदर जाएगा तो 2 7 जा 14y प्लस 2 4 जा 8 इज इक्वल टू, ये 4 अंदर जाएगा तो माइनस 4y माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 हो गया। वेरिएबल है, लेफ्ट साइड होना चाहिए था, कांस्टेंट है और राइट साइड होना चाहिए था, तो 14y प्लस 4y इज इक्वल टू, ये माइनस 8 अपनी जगह पे ही था और यहाँ से 8 प्लस में था तो वो माइनस में होके आ जाएगा, ये हो गया आपका 18y इज इक्वल टू 8 प्लस 8 16, साइन माइनस की लगेगी, y इज इक्वल टू माइनस 16 बाय 80। दोनों इवन नंबर हैं तो हम इसके फैक्टर निकाल के रिड्यूस कर देंगे, माइनस 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 और 2 3 3 3 जा 9 टू जा 18, ये 2 2 कट हो गया तो y इज इक्वल टू 2 टू जा 4 टू जा 8 3 3 जा 9, साइन माइनस की, क्योंकि ऊपर 16 के पास माइनस की साइन थी, तो ये माइनस 8 बाय 9 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, यहां पे जगह कम पड़ेगी, मैं छोटा वाला क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17, वी प्लस 3 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6, वी प्लस 3 इज इक्वल टू, ये 6 इस साइड जाएगा तो 6 इंटू 6, वी प्लस 3 इज इक्वल टू 6 6 जा 36। ये 3 टाइप 2 के अकॉर्डिंग इसके पीछे चला जाएगा तो v इज इक्वल टू 36 माइनस 3 इज इक्वल टू 33 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। वीडियो को यहीं हम फिनिश करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम लेंथ 20 मिनट्स का था, तो हमने टाइम ऑलरेडी 20 मिनट्स होने को तैयारी है, तो मैं वीडियो को यहीं पे फिनिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे और भी क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, हमारा पार्ट 3 वीडियो लीनियर इक्वेशन का जो पार्ट 3 है, लीनियर इक्वेशन का जो वीडियो नंबर 3 है वो आप देखना जरूर ना भूले। तब तक के लिए एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर रिप्रेजेंट होंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।